जनपद फिरोजाबाद के नगर शुकावात में जैन संत आचार्य परम पूज्य 108 बिमल सागर महाराज की 25वीं समाधि दिवस को लेकर दो दिवसीय कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां बिमल सागर महाराज की रजत जयंती पर उद्वरोहण महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूरे भारत वर्ष से महान विभूतियां, विद्वजन एवं जैन मुनि भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन बिमल सागर महाराज की पालकी यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करेगी, जहां स्टेशन रोड स्थित नसिया जी पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूज्य बिमल सागर महाराज के शिष्य चैत्य सागर महाराज ने दो दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 और 23 दिसंबर को नसिया जी पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम दिन संत निवास व प्रभु वचन हाल व विमल वाटिका का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 23 दिसंबर को सुबह अभिषेक और दोपहर में बिमल सागर महाराज की पालकी रथ यात्रा दोनों बाजारों में धूमधाम से निकाली जाएगी। इस दो दिवसीय कार्यक्रम को लेकर शुकावात संपूर्ण जैन समाज काफी उत्साहित है। शुकावात से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बिल्लू ने और इस जगह पे खूब घूमे फिरे, पढ़े भी यही, उनकी शिक्षा भी यही हुई। टुंडला में उनको यहाँ से आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का उत्तर प्रदेश का एकटा जिला कोसमा ग्राम जलेश्वर यानी कोसमा के अंदर पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का जन्म हुआ। उस महापुरुष का ऐसे महान एक गरीब परिवार के अंदर जन्म हुआ, जिसे कोई कह नहीं सकता था कि यह व्यक्ति जैन समाज का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक महान आचार्य बनेगा। उन्होंने पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, चौर दिशा के अंदर चार बार पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। ऐसे महान आचार्य श्री परमेश सागर जी महाराज का 29 दिसंबर 1994 को जैन धर्म का शाश्वत तीर्थराज समय शिखर जी है वहाँ 29 दिसंबर को 4:27 पर अपने इस नश्वर से शरीर का प्राणों का त्याग कर आत्म कल्याण के मोक्ष मार्ग के पथ पर अक्षर हुए थे। ऐसे महान पुरुष का 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उनका रजत विधवा दिवस महोत्सव यहाँ उत्तर प्रदेश की यह बड़ा सौभाग्य है, सुखावाद वालों का किस पवित्र भूमि में करने का सौभाग्य मिल रहा है। अतः मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के ये ऊर्ध्वारोहण रजत स्मृति महोत्सव के अंदर अधिक से अधिक पदार्थ कर धर्म को लाभ देते।